नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारत चीन तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा भारत और चीन से बातचीत कर रहा है अमेरिका। ट्रंप ने की मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों की मदद की पेशकश। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, ओमान की खाड़ी में किया क्रूज मिसाइल का परीक्षण, 280 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। दुनियाभर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 89 लाख से ज्यादा अधिक लोग हुए संक्रमित, तो 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने गवाई जान, तो वहीं 47 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4 लाख के पार, तो अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2,27,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,500 के पार, तो कोरोना से अब तक 340 से अधिक मरीजों ने गवाई जान। भारत चीन तनाव के बीच सेना के अधिकारियों का बड़ा फैसला, एलएसी पर कमांडर्स को मिली खुली छूट, अब हालात के हिसाब से फैसला ले पाएंगे कमांडर्स। गलवान विवाद पर रक्षा मंत्री ने बुलाए हाई लेवल मीटिंग, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों से किया मंथन, मीटिंग में की लद्दाख के जमीनी हालात की पूरी समीक्षा। शहीद जवानों के मुद्दे पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी, गलवान में हुई हिंसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर फिर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी है असल में सरेंडर मोदी। शिवसेना ने कसा पीएम मोदी पर तंज, सांसद संजय राउत ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोदी पर जाएंगे अकेले, क्या केवल पाकिस्तान के लिए ही की थी सर्जिकल स्ट्राइक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा जो हमें जोड़े और साथ लाए वही है योग, पीएम ने की लोगों से योग को अपनाने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग, 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास, बर्फ की चादर पर किए अलग अलग आसन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट, आमजन से की योग को अपनाने की अपील, कहा भारत में प्राचीन काल से होता है योग का प्रचार और अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया संदेश, घर पर ही परिवार के साथ योग करने की अपील, कहा जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है योग। सावन में भी नजर आएगा कोरोना का असर, कोरोना संकट के चलते कांवड़ यात्राएं स्थगित, 3 राज्यों ने लिया फैसला। कोरोना के चलते यूपी हरियाणा उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, इस साल कांवड़ यात्राओं को नहीं मिलेगी इजाजत, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। कोरोना संक्रमण के बीच भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ग्लेनमार्क कंपनी की दवा को डीजीसीआई ने दी मंजूरी, कोविड-19 के इलाज के लिए पहली खाने वाली दवा पेश। सरकार ने बड़े पैमाने पर साइबर हमले की दी चेतावनी, कोरोना की आड़ में धोखाधड़ी की आशंका, सीआईटीएन ने किया जारी अलर्ट। कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक, दक्षिण कश्मीर में 2 जगह पर हुई बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर शोपिया में 4 आतंकी ढेर, तो वहीं सेना और पुलिस ने चलाया था संयुक्त ऑपरेशन। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में पाक ने की फिर एक बार नापाक हरकत, संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए दागी गोलियां, सेना ने पाक आर्मी को दिया माकूल जवाब। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 900 साल के बाद लगा ऐसा महाग्रहण, 25 साल के बाद अंगूठी की तरह नजर आया सूर्य। साल के सबसे बड़े दिन पर हुआ सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, खरसाना और सूरतगढ़ में सूर्य का 99% हिस्सा छिपा चंद्रमा की छाया में, तो वहीं जयपुर में 88% छिपा सूर्य का हिस्सा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग के बीच में सलमान खान ने की फैन से अपील, कहा गलत भाषा का ना करें इस्तेमाल और सुशांत के समर्थकों के साथ हो मेरे फैंस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बॉलीवुड जीवाज ने किया विश, अभिनेत्री विपाशा बासु ने ट्वीट पर बताया योग के फायदे, कहा सही मायनों में अपने आप को रिलैक्स करने में सबसे ज्यादा कारगर है योग। फादर्स डे पर अजय देवगन ने किया पिता को याद, अजय ने वीरू देवगन के साथ बॉक्सिंग रिंग की फोटो की शेयर, जिसमें कहा हम प्यार से करते हैं, वो हमसे कभी दूर नहीं जाते। देशभर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यूपी के लखनऊ में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया योगाभ्यास, सोशल डिस्टेंस का रखा पूरा ख्याल। श्रीडूंगरगढ़ के मिगसरिया गांव में दर्दनाक हादसा, खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 3 युवकों की मौत, घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर, पुलिस ने की जांच पड़ताल शुरू। यूपी के हमीरपुर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से 2,86,000 रुपए निकालने का आरोप, ग्रामीण ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर लगाया आरोप, शिकायत के बाद जांच में जुटे पुलिस।
यूपी के बिजनौर स्थित अशोका होंडा शोरूम में लगी भीषण आग, घटना में लाखों रुपए के नुकसान की संभावना, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर हुआ भीषण हादसा, नोएडा से आगरा की तरफ जा रही एक बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, बाइक सवार युवक की हुई मौत। यूपी के बिजनौर में विशाल अजगर ने बनाया बकरी को निवाला, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सांप का वजन 40 से 50 किलो और सांप की लंबाई 3 मीटर थी। 15वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, रविवार को 38 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल, तो वहीं डीजल के दामों में 59 पैसे की हुई बढ़ोतरी, 15 दिन में 8 रुपए से ज्यादा महंगे हुए पेट्रोल डीजल। राजस्थान में गर्मी और उमस के बाद बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जताई प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना, 25 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून की हो सकती है एंट्री। भीलवाड़ा में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शिवाजी उद्यान में लोगों ने किया योगाभ्यास, तो कार्यक्रम से पूर्व छात्रों ने बांटे सैनिटाइजर, तो वहीं सैनिकों को भी दी गई श्रद्धांजलि। भरतपुर में पीपीसी उद्योग विभाग के महासचिव नवीन पाराशर और मानवाधिकार संरक्षण रेणु नपेंद्र का दिखा सामाजिक सरोकार, सब्जी विक्रेताओं को बांटे सैनिटाइजर फॉर मास्क, तो वहीं एडीएम सिटी राजेश गोयल ने भी लोगों को किया जागरूक। अखिल भारतीय आदिवासी भी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रानीवाड़ा, गांव में आयोजित कार्यक्रमों में लिया हिस्सा, मास्क सैनिटाइजर किया वितरित। पाली के रानावास गांव में कोरोना पॉजिटिव महिला के 2 बच्चों की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, परिवार सहित अन्य संपर्क में आए लोगों के सैंपल्स लेकर भेजे गए पाली कोविड केयर सेंटर में कराया गया भर्ती। छलावाड़ के खानपुर में कोरोना का प्रकोप, सारोला में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, प्रशासन ने पूरे इलाके को किया जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित। योग दिवस पर जयपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने किया योग सेशन का आयोजन, लोगों से विभिन्न आसनों का किया अभ्यास, तो वहीं लोगों से की योग को अपनाने की अपील। जैसलमेर के नाचना में सूर्य ग्रहण को लेकर बाजार रहे बंद, धर्म पुण्य में लगे व्यापारी, तो वहीं लक्ष्मीनाथ गौशाला में भी नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। सीकर में सूर्य ग्रहण के चलते लोग घरों में रहे बंद, घरों में दिखा अघोषित कर्फ्यू सा नजारा, तो बाजारों में भी आया सन्नाटा नजर। सूर्य ग्रहण का नजारा सिरोही जिले में भी देखने को मिला, जहां सूर्य ग्रहण होने तक अंधेरा छाया रहा, तो वहीं ग्रहण को देखने के लिए लोग एक्सरे फिल्म का सहारा लेकर देखते हुए आए नजर। उदयपुर के सेवारी में सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखने उमड़ी बच्चों की भीड़, लोगों ने अपने घरों की छत पर जाकर एक्सरे पेपर और काले चश्मे लगाकर देखा सूर्य ग्रहण, मोबाइल कैमरे में कैद करने के प्रयास में दिखाई दिए लोग। नागौर में भी सूर्य ग्रहण के मौके पर मंदिरों में विशेष सन्नाटा दिखा, जिले भर में दान पुण्य का दौर इस दौरान जारी रहा, लोगों ने गौशाला और गलियों में घूम घूम कर गायों को खिलाया चारा पानी। दौसा के लालसोट में सूर्य ग्रहण के बाद गायों की सेवा, गौ सेवकों ने गायों को कराया स्नान, मंदिरों में रामधुनी का हुआ आयोजन। सीकर के फतेहपुर में नजर आया सूर्य ग्रहण का असर, मंदिरों के कपाट के साथ साथ बाजार भी रहे बंद, लक्ष्मीनाथ मंदिर में सूतक के दौरान हुई महाआरती। बीकानेर में सूर्य ग्रहण देखने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष व्यवस्था की, विज्ञान भवन में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को दूरबीन के माध्यम से सूर्य में हो रहे बदलाव दिखाए, इतना नजदीक से सूर्य देखने के बाद लोग रोमांचित थे। नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दी शुभकामनाएं, मुंडवा के तेजास्थली में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्कूली बच्चों के साथ पूर्व सांसद ने किया योगाभ्यास, कहा योग से आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अजमेर में कोरोना के चलते लोगों ने घरों में ही रहकर मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिला कलेक्टर ने सभी को घरों में रहकर योग करने के दिए थे आदेश, इसके बाद में लोगों ने घरों में ही किया योग अभ्यास। नागौर के कुचामन सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घरों और खेतों में किया लोगों ने योग, इस दौरान परिवार के सदस्यों ने अनुलोम विलोम कपालभाति के साथ किया व्यायाम। बूंदी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अवसर पर लोगों ने योगाभ्यास किया और स्वस्थ समर्थ रहने का संकल्प लिया, राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि नियमित योग और प्राणायाम से कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस के संकट के बीच नागौर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो वहीं ऐसा पहली बार हुआ कि योग दिवस पर बच्चे और बुजुर्ग अपने ही घर पर रहकर व्यायाम करते नजर आए। अलवर के बानसूर में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हजारों लोगों ने किया योग, फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से लोगों को जोड़कर मनाया गया योग दिवस। बूंदी के बाकेदा गांव में विधायक चंद्रकांता मेघवाल का जन्मदिन मनाया, इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग, सभी रक्तदाताओं का किया गया सम्मान। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर शिविर में लिया हिस्सा, शिविर में 101 यूनिट रक्त हुआ संग्रह, रक्तदाताओं का किया गया सम्मान।
राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान का पोखरण में भी हुआ आगाज। नगर पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुजिया और उपखंड अधिकारी अजय अमरावत ने जन जागरूकता वाहन रैली को किया रवाना, साथ ही आमजन को जागरूक करने का दिया संकल्प। अलवर के मुंडावर में जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ, एसडीएम ने किया शुभारंभ। सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अलवर के बानसूर में भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बानसूर और रामगढ़ को आनन फानन में नगरपालिका किया घोषित। बानसूर में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद चतुर्थ श्रेणी में रखकर किया भेदभाव। हनुमानगढ़ के रावतसर में विशेष कार्यशाला का आयोजन, पालिका अध्यक्ष नीलम सहारन ने किया अध्यक्षता। कोरोना से बचाव के उपायों की दी जानकारी, तो वहीं महामारी से बचाव के पोस्टर और पुस्तकों का हुआ वितरण। सिरोही के शिवगंज में आज 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता टीम को दिया गया 15,000 रूपये का इनाम। ग्रामीणों ने किया सभी खिलाड़ियों का स्वागत। अलवर के रामगढ़ में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, युवती के भाई ने रामगढ़ थाने में एक युवक के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट, कहा युवक के परेशान करने पर बहन ने छोड़ी पढ़ाई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रतनपुर बॉर्डर पर ट्रक की कैबिन से 15 कार्टन शराब की जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से एटीएम लूट का प्रयास, इमरजेंसी सायरन बजने के बाद फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाश की तस्वीर, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। जैसलमेर के नाचना कस्बे में टिड्डी दल का कहर, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें, स्थानीय लोगों ने थाली और तेज आवाज के यंत्र का प्रयोग कर टिड्डी दल भगाने का कर रहे हैं प्रयास। बीकानेर की कुलायत में टिड्डियों का हमला लगातार जारी, झज्जू बिठनोड दयात्रा हाडला भाटियान सहित दर्जनों गांव में टिड्डियों ने बोला थावा, तो किसानों ने टिड्डियों को उड़ाने के लिए किए पूरे प्रयास। अलवर के बानसूर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, रघुनाथपुर गांव में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर चीन के सामान का किया बहिष्कार। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष शिवलाल यादव, रमेश सुबेदार, मोहित लांबा इत्यादि रहे मौजूद। पाली के खिंवाड़ा कस्बे में चीनी वस्तुओं का किया बहिष्कार, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में चीन के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली, तो वहीं 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।